बर्त गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सवाल का
सर, हेडक्वार्टर से आपका मैसेज है। हेलो 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 डेल्टा 07, दिस इज अल्फा 09, मैसेज फॉर यू। हेलो, दिस इज अल्फा 07। हेलो, दिस इज अल्फा 07। मौजूदा हालात क्या है? बमबारी से सेक्शन के सारे आदमी मारे जा चुके हैं, सिर्फ दो ही बचे हैं सर। आगे के लिए हुक्म, तुम पीछे लौट आओ और सेक्शन 8 को ज्वाइन करो। मैं पुल को उड़ाना चाहता हूँ सर, दुश्मनों के आने के लिए यही रास्ता है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वापस लौट आओ। मैं बिना पुल को उड़ाए वापस नहीं आ सकता सर, ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो ऋषभ सिंह, तुम वापस लौट जाओ। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सर, कदम आगे बढ़ने के लिए होते हैं, पीछे हटने के लिए नहीं। फॉलो मी। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखा रेजिमेंट के मेजर बलवंत राय और सूबेदार रेशम सिंह दोनों लापता हैं। अनुमान है कि वो उत्तरी क्षेत्र में दुश्मन की फौज का सामना करते हुए शहीद हो गए। नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी भगवान, करनी पड़ेगी, तुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। हमारी खातिर तुम क्यों दुश्मनों की गोलियों का शिकार बनना चाहते हो? भाग जाओ रेशम सिंह, भाग जाओ। सर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम भूल रहे हो सूबेदार, हम तुम्हारे मेजर हैं। आपने ब्रिगेडियर का हुक्म नहीं माना सर, मैं मेजर का हुक्म कैसे मानूं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हम नहीं चाहते कि हमसे पहले तुम्हारी मौत हो जाए। आने वाला वक्त हमको राज ये समझा लेगा, बात में जाना है किसको, कौन पहले जाएगा। सर, जिद मत कीजिए, आइए मेरे साथ, प्लीज सर। मेम साहब, मेजर साहब अभी जिंदा है। क्या? ये देखिए, हर अखबार में मेजर साहब की बहादुरी के चर्चे हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे सुहाग की रक्षा की, लाख लाख शुक्र है।
सिवा है? इश्क है अव्वल, इश्क है आखिर, क्या इश्क के सिवा है? ये इश्क है तो है जिंदगानी, दिल की यही सदा है। दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। ओ दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। ओ दिल भर की जवानी क्या कहिए। लो इश्क ने कर दी यारों की, लो इश्क ने कर दी यारों की रंगीन कहानी क्या कहिए। हो दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। दिल भर की जवानी क्या कहिए। कुर्बान अदाओं पर उसकी दिल एक नजर में छीन लिया। मुझ भोले भाले राही का सामान सफर में छीन लिया। नाक सुवासा मुँह बटवासा नैन से तेरे कटोरे हैं। नाक सुवासा मुँह बटवासा नैन से तेरे कटोरे। तने देख के पागल हो गए हरियाणी के छोरे। छोरी सच है ना, छोरी सच है ना, छोरी सच है ना, छोरी सच है ना। उस रूप के बहते दरिया का, उस रूप के बहते दरिया का चढ़ता हुआ पानी क्या कहिए। दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। हो दिल भर की जवानी क्या कहिए। याद मेरी हर शाम उसे आती होगी। लहरा के बसंती आंचल वो खेतों में खड़ी गाती होगी। क्या गाती होगी। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। हो दिन में दो दो खत लिखती है। हो दिन में दो दो खत लिखती है वो मेरी दीवानी क्या कहिए। हो दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। हो दिल भर की जवानी क्या कहिए। ना छाओ किसी आंचल की मिली बरसी, ना कोई जुल्फों की घटा। हम सावन सावन जलते हैं, ले जाए कहां ये दिल प्यासा। और रन्ना बालिया ने पकड़ परोटे पे चढ़िया दिया गन्ना बल। और रन्ना बालिया ने पकड़ परोटे पे चढ़िया दिया गन्ना बल। हो तकिए से लिपट कर घटती है। ओ तकिए से लिपट कर कटती है हर रात सुहानी क्या कहिए। ओ दिल भर की दिलेरी क्या कहिए। ओ दिल भर की जवानी क्या कहिए। खुशियों की
इरादे तुम्हारे कुछ भी रहे हो, लेकिन मोर्चे पर ब्रिगेडियर रंजीत सिंह का हुक्म ना मानने की वजह से ना फरमा बरदारी के जुर्म में इंडियन आर्मी एक्ट 1957 दफा 107 के तहत तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। सर। हाँ रेशम सिंह, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता था। थैंक यू सर। रेशम सिंह, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे एहसान मंद हैं। जिंदगी में कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो अपना हक समझकर हमारे पास चले आना। अगर वो मदद मेरी हद से बाहर हुई तो कसम से खुद को मुर्दा समझकर अपनी लाश तुम्हारे हवाले कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। फर्ज? फर्ज अदा करना ही आदमी के लिए मुश्किल होता है दोस्त। खैर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जमीन जायदाद, एक बेटा और बीवी भी एक ही। उसे इस बात का गम नहीं होगा कि मुझे आर्मी से निकाल दिया, बल्कि इस बात की खुशी होगी कि अब जिंदगी उसके साथ गुजारूंगा। अच्छा दोस्त, जिंदगी में मिलेंगे जरूर। Thank you.
भगवान से बस यही दुआ मांगी थी कि तुम्हें देखकर खुशी से कहीं मर न जाओ। तुम्हें देख लिया, अब मर भी जाओ तो कोई गम नहीं। निर्मला आओ बैठ जाओ। ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? सब मेम साहब को पहले भी एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है। क्या मुझे खबर क्यों नहीं दी? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप आ गए हैं ना, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। बहादुर साहब के लिए चाय लाओ। रवि का क्या हाल है? वो तुम्हें चिट्ठी उठी लिखता है कि नहीं? तुम्हारे बेटे को शायद पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। लौटने का जानते नहीं यहां के कुछ कायदे कानून भी हैं? तुम लोग यहां पढ़ने आए हो या गुंडागर्दी करने? मुंह में शराब की बदबू और आंखों में वैश्यपन, तुम ही लोगों की वजह से यह हॉस्टल एक सस्ते होटल की तरह बदनाम हो गया।
आप रोज रात को रामायण के पाठ की तरह भाषण सुनाते, जब हम पे कोई असर ही नहीं होता तो क्या फायदा। जाओ अभी सो जाओ, हमको भी सोने दो। सोना है तो कहीं और जाके सो। प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है कि तुम लोग एक पल भी यहां नहीं ठहर सकते। अभी इसी वक्त अपने सामान समेत यहां से दफा हो जाओ। घर वालों को तुम्हारे रिस्ट्रिकेट किए जाने की वजह बद्रिया डाक भेज दी जाएगी। वाह साहबजादे वाह, खूब नाम रोशन किया है तुमने हमारा। अपने बाप को तुमने दिली तसल्ली पहुंचाई है कि उसका बेटा बदचलन तौर तरीके की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया। शर्म से डूब पड़ने वाली बात है रवि। अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा ढड़ी? आपको भी तो फर्स्ट से निकाल दिया गया है। अपने बाप से जुबान लड़ाता है। जान से मार डालूं। छोड़ दीजिए, मैं कैसे छोड़ दीजिए? रवि, मेरे बच्चा, मारते मारते क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की? कैसे बाप है आप? भूल गए वो दिन जब औलाद के लिए तरसती हुई तुम्हारी आंखें हर मंदिर हर दरगाह हर पीर के सामने आंसू बहाया करती थी। बोलो बोलो, क्या इसी दिन के लिए देवी देवताओं से मेरे बेटे को मांगा था? क्या इसी दिन के लिए मैंने? निर्मला, क्या हुआ तुम्हें? निर्मला, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। मेरे पास बैठो। डॉक्टर के आने तक मैं नहीं बचूंगी। देखो तुमने आज रवि को कितना मारा। अगर उससे कुछ हो जाता तो तुम्हें तो गुस्से में कुछ होश ही नहीं रहता। अगर मेरे बाद भी उसे इसी तरह मारते रहे तो तुम अकेले रह जाओगे, अकेले। नहीं निर्मला, नहीं, मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं तेरे बेटे की जी जान से हिफाजत करूंगा। उसे इतना प्यार दूंगा जो दुनिया में आज तक किसी बाप ने किसी बेटे को नहीं दिया होगा। बस तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी बातें ने अच्छा कर दिया मुझे। लो, मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। डैडी, माँ मेरी वजह से चली गई, मुझे माफ कर दीजिए डैडी। नहीं रवि, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमारा गुस्सा शैतान का गुस्सा है। काश काश हमने खुद पर काबू रखा होता तो निर्मला हमसे रूठ कर नहीं गई होती। उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं बेटे, हो सके तो हमें माफ कर देना। कौन हो तुम? जी चमेली, सुबह शाम फूल बदलने आती हूँ। आप रवि बाबू है ना? तुम जानती हो मुझे? जी, घर में आपके फोटो जो लगे हैं। मैंने पर पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जी, बीवी जी का शोक था ना, इसलिए 40 दिन फूल बदलने नहीं आई थी। और आज 41वें दिन इस घर में बसी माँ की याद को फूलों से महकाने आई हो। जी? तुम्हारे पास कितने तरह के फूल हैं? साफ सब तरह के हैं। लाल, पीले गुलाब,
मोगरा, सूरजमुखी, चूही, आपको कौन सा चाहिए साहब? एक खास किस्म का फूल है जिसकी खुशबू तुमने नहीं सूंघी होगी, लेकिन हम जरूर सूंघना पसंद करेंगे। ऐसा कौन सा फूल है साहब? रवि, तुम्हारे दोस्त आए हैं। मैं तुम्हें फुर्सत में समझाऊंगा, आराम से। हैं? हाय, व्हाट अ सरप्राइज यार। हाय हाय, कब आए यार? अरे मैं तो आज ही आया, ये रमन पहले आ गया था। शिकार पर जाने का प्रोग्राम था, इसलिए मैंने ही बुलाया है। हमने अंकल से इजाजत ले ली है, तुम भी हमारे साथ चलोगे, क्यों अंकल? ठीक है ना? जरूर जाओ बेटे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, मगर जल्दी लौट आना। तुम्हारे बगैर मैं भी अकेलापन महसूस करता हूँ। अकेली आ रही है चमेली, इसकी चाल में चमेली है, गाल में चमेली है, अंदर चमेली है, बाहर चमेली है, तभी तो नाम चमेली है। कैसी हो चमेली? अच्छी हूं। अच्छी तो तुम हो ही, लेकिन अपने साथ कभी हमें भी अच्छा कर दो। दीदी दीदी दीदी, अरे क्या हुआ, तू तो भागा भागा क्यों आ रहा है? आज सारे अखबार बिक गए। अच्छा, मैं पांडे जी को पैसे दे आता हूँ और फिर हम साथ ही घर चलते हैं। तू पैसे दे आ, मैं नाकर रोटी पकाती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ ना। अरे सुनो, तुम चंबेली के भाई राजू हो ना? हाँ, तुम मुझे कैसे जानती हो? अरे चंबेली मेरी सहेली है, जब भी मिलती है तुम्हारी बातें करती है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ पर तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे मैं सांप के फार्म वाले बंगले पर काम करती हूँ, यहाँ सब्जियां लेकर आई थी, दो दिन मौज करूंगी फिर वापस। अरे हाँ, चंबेली से कहना मुझसे मिलने आए। आज मैंने दीदी को घर से निकलने को बिल्कुल मना किया है। क्यों? आज शाम को उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। और मुझे भी पसंद है। बस और क्या चाहिए, आपको लड़की पसंद है और हमें लड़का। अरे भाई, तुमने चमन को कब देखा? जी मैं उनके ऑफिस गया था, उनके बारे में सब पूछताछ करके आया हूँ, सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं। सच है राजू बेटे, मैंने इतने रिश्ते करवाए लेकिन तुम्हारे जैसी चतुराई किसी में नहीं पाई। तुम्हारी चतुराई देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग सभी बातें पहले ही तय कर लेते हैं, शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ पहले ही साफ हो जाना चाहिए। अरे बेटा, शादी के मामले में शादी लाल को सब कुछ समझा दिया है। हाँ, बेटे ये लोग चाहते हैं कि शादी पूरे पांच में ही हो। खाइए, आप ही खाइए। 5,000 मुझे मंजूर है, पर शादी 2 महीने के बाद होगी। Love to love you, baby. नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कुंती हूँ, कुंती, सांप के फार्म वाले बंगले पर काम करती हूँ। कुंती, मैंने जब तुम्हें पिछली बार देखा था ना, तो तुम इतनी सी थी, अब तो अच्छी खासी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। लाइए साहब, बैग में रख देती हूँ। अरे रवि। हाय डैड। तुम कब आए? बस अभी अभी। क्या बात है बेटे, जल्दी आ गए तुम। अब यूं ही डैडी, मन नहीं लगा। दोस्तों के साथ गए फिर भी मन नहीं लगा? देखो बेटे, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगता है तो हम तुम्हारे लिए शहर में रहने का बंदोबस्त करते हैं। नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर आप भी तो अकेले रह जाएंगे। तो फिर ऐसा करो, कल से तुम हमारे ऑफिस में आया करो, तुम्हारा वक्त कट जाएगा। और आज शाम को तुम क्या कर रहे हो, हमारे साथ क्लब चलोगे? डैडी आज तो रघु के क्लब में पार्टी है। तुझे इनमें से कौन सी पसंद है? Beggars can't be choosers, yeah. यार वो रमन साला आज आया ही नहीं। उसके बाप ने रोक लिया होगा, कहा होगा बैठ कर ले। बाप के रोकने से रोकने वाला नहीं है, मिल गई होगी कोई ताले वाली। उसे तो मिल गई होगी यार, हमारा क्या होगा? तेरा तू जा, अपना मामला तो घर में फिट है। जब मैं पहुंचूंगा तो डैडी डैडी सो चुके होंगे, मैं उससे कहूंगा कमरे में दूध लेके आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आंखें क्यों बंद कर ली? नहीं, ठीक
वो कितनी गंदी तस्वीरें हैं। अरे इसमें गंदा क्या है, ये तो एक खेल है पगली, जिसे संसार का हर प्राणी खेलता है। भला तू बता, भगवान आदमी औरत नर मादा ये सब बनाता है क्यों? संतान पाने के लिए। हाँ, और संतान पाने के लिए ये खेल खेलना बहुत जरूरी। फिर बता, भगवान का बनाया हुआ खेल कैसे गंदा हो सकता है? चला मैं तुझे इस खेल की सारी बारीकियां समझा देता हूँ। तेरे बगैर मेरा जीना मुश्किल हो गया है कुंती, तू आज इसी वक्त मुझसे शादी कर ले, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। और इसी वक्त ना पंडित ना मंडप, कैसे हो सकती है हमारी शादी? क्यों नहीं हो सकती, शादी के लिए क्या जरूरी है, भगवान की साक्षी वो तो हर जगह मौजूद है। रहा सिंदूर तो मैं तेरी मांग को अपने खून से। गुड मॉर्निंग मेजर साहब। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया भाई, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? जी हाँ सब खैरियत। मुझे मिस्टर रवि से कुछ सवाल करने। जी मुझसे? जी हाँ, आप जानते हैं कि कल रात आपके दोस्त रमन का खून हो गया? कहीं वो शुगर फैक्ट्री वाले वासुदेव का बेटा तो नहीं? जी हाँ वही। कल शाम करीबन 7 बजे वो पनवेल वाले बंगले से यहाँ के लिए निकला था, रास्ते में कातिल ने उसे घेर लिया। कातिल काफी होशियार मालूम होता है, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा मेजर साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उसका खून चमड़े की किसी बेल्ट या पट्टे से हुआ है, समथिंग लाइक दैट। मिस्टर रवि, आप लोग एक साथ कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो उसका दुश्मन हो और उसका खून कर सके? रमन का कोई दुश्मन हो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, वो तो निहायत ही शरीफ लड़का था, पर उसका खून कौन कर सकता है? घर के आसपास साक्षात कर दे। अरे कुत्ते कमीने नशे होंगे, क्या रहे छोड़ रहे थे? अरे अरे मेरे घर के आसपास साक्षात कर दे। इसे छोड़ दे चमेली, जाने दे इसे। मैं कह दूँ छोड़, अरे छोड़ इसको, छोड़। अरे छोड़ क्या, इधर आ। अरे तू नहीं जानती, अरे बदमाश मेरे सुराग में से ताकता रहता है। कौन ये? चमेली सिग्नल बिल्कुल क्लियर है रघु सेठ, सिवाय एक छोटे भाई के दुनिया में इसका कोई नहीं। छोटे भाई के अलावा इसके अब हम हो जाएंगे। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस कमीने को अच्छी तरह जानता हूं। तुम तैश में आ रहे हो, हमने हीरा लाल की सब जगह तलाश कर ली है, चमेली के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं, समझे? तो फिर मेरी बहन कहाँ गई? चल पता लग जाएगा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कीजिए कोशिश, मैं अपनी बहन का पता खुद लगा लूंगा, वो मेरी पुकार सुनकर छिपी नहीं रह सकती। का शिकार हूँ मैं, जिंदा अखबार हूँ मैं, जुल्म का शिकार हूँ मैं, एक बेबसताई अबला की पुकार हूँ मैं, ढूंढता है एक भाई बहन को डगर डगर। आज की ताजा खबर। Thank you.
कोई कुचल गया है एक राखी को, ये सुनी कलाई एक भाई रोता है। सोचने जैसी बात है कि आज दुनिया में दिन दहाड़े जो बेबसों पे सितम होता है। इन हवाओं में किसने घोल दिया है ये जहर, आज की ताजा खबर। इतना है कि आवाज डूब जाती है। कोई भाई जो वादा अपना याद करता है, बहन की डोली निगाहों में उभर आती है। मेरे मालिक गरीब की दुआओं को दे असर। आज की ताजा खबर। के बारे में कुछ तो बता सकती हो? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम कातिल को बचाना क्यों चाहती हो? क्यों बचाना चाहती हो चमेली? दीदी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? तुम अपने राजू को छोड़कर कहां चली गई थी? दीदी, तुम चुप क्यों हो? यही तो मैं जानना चाहता। देखो चमेली, रघु का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, और कुछ नहीं, कम से कम उसका हुलिया बता सकती हो। इंस्पेक्टर साहब, हुलिया इंसान का बताया जाता है, भगवान का नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। राजू, मूलचंद जी ने कहा है कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से नहीं करेंगे। शादी की क्या जरूरत है शादी लाल जी, एक बार रास्ता खुल जाए तो ट्रैफिक अपने आप चालू हो जाता है। कुत्ते कमीने, अगर मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो तेरी जबान काट के गटर में फेंक दूंगा। तू तो बताए गटर में फेंकने वाला है, मैं आज तुझे ठीक किए देता हूँ। बहुत हाथ पांव चलने लगे राजू। अरे मैं आज इसे मत मारो, मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कह दे इसे, अपनी जबान को लगाम दे। कुछ ही दिनों की बात, काले को शहर भर में जीजा जी मिल जाएंगे। जिसकी बहन की इज्जत गटर में मिल जाए उसे गंगा जल की बात नहीं करनी चाहिए। राजू, मुझे मर जाने दो, अपनी लूटी इज्जत की जादू उड़े, मैं कहां जाऊंगी राजू, मैं कहां जाऊंगी? दीदी, अगर तुम मर गई तो मैं कैसे जीऊंगा? दीदी, तू नहीं जानता राजू, समाज में हम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं। हम किसी पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती, किसी घर की बहू नहीं बन सकती, किसी खानदान की इज्जत नहीं बन सकती। अजीब दुनिया है ये, जहां मर्द अपनी पल भर की प्यास बुझाने के लिए
लड़के की पूरी जिंदगी पी जाता है। दीदी हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ सिर्फ एक बहन होगी और एक भाई। अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी तो हालत खराब है यार। अरे हालत तो मेरी भी खराब है यार, इसीलिए तेरे घर गया था, पता चला कि तू यहाँ है। मैं तो सुबह अखबार पढ़ते ही यहाँ भागा है, डैडी को भी नहीं मालूम। समझ में नहीं आता रघु का खून कौन कर सकता है। वही जिसने रमन का खून किया है। क्या मतलब? मतलब वही है यार, वैसे भी रघु दो नंबर के धंधे का आदमी था और उसकी दुश्मनी किसी से भी हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आएगा। यार अखबार में लिखा था कि पुलिस ने चमेली को रघु के अड्डे पर पकड़ा है और वो वारदात के वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसने कातिल का हुलिया नहीं बताया, क्यों? हाँ हाँ हाँ, उससे पता चल सकता है कि हमारा जिस आदमी पे शक जाता है कातिल वही है या कोई और। जी यार तू। हेलो। हेलो रवि बेटे, तुम ऑफिस के बजाय फार्म चले गए? जी वो डैडी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए यहाँ चला आया। तबीयत ठीक नहीं? कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगा। बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर देना। हाँ डैडी आप खामखामे परेशान हो रहे हैं। बेटे तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन, जिसने जिंदगी भर साथ निभाना था वो तुम्हें सौंप कर मुझे छोड़ गई। आई अंडरस्टैंड डैड। खैर तुम्हारे पास कुछ पेपर्स पड़े हुए थे? जी हाँ, कार में रखे हैं, कहें तो जिम्मी के हाथ भिजवा देता हूँ। ठीक है रवि, उससे कहना शाम को गोल्फ कोर्स में ले आए। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे मेजर रॉय से मिलना है। वो गोल्फ कोर्स पर होंगे। गोल्फ कोर्स? जी। थैंक यू। बाय। पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, जिमी होगा, कहाँ गए वो? जी वो आपको ढूंढने के लिए गोल्फ कोर्स की तरफ गए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। ये तो इसे क्यों मारा तुमने? ये आदमी जीने के काबिल नहीं था सर। कुछ लोग किस तरफ आ रहे हैं, शाम को घर पर आकर मिलो। जाओ जल्दी भाग जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। कातिल हमारे पहुंचने से पहले फरार हो चुका था। हमने उसके आसपास किसी को नहीं देखा और फिर जो कुछ हमने देखा उसे तो हम बयान में बता चुके हैं। माफ कीजिएगा मेजर साहब, हमने आपको इस वक्त तकलीफ दी। गुड नाइट। गुड नाइट। सर रेशम सिंह सर, आपने बुलाया था। हाँ चलो अंदर चलो। बैठो। हम हैरान हैं
जिंदगी में इतने परेशान कभी नहीं हुए कि फौज का बहादुर सिपाही, हमारी जान बचाने वाला रेशम सिंह, किसी दूसरे की भी जान ले सकता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसने तुम जैसे आदमी को कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने पर मजबूर कर दिया? हमें जवाब दो रेशम सिंह। बेफिक्र रहो, यहां की आवाज बाहर नहीं जाएगी और किसी को इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। यहां मैं अपनी मरहूम बीवी की यादों में जीता हूं। आपने मुझे इस जगह के काबिल समझा, थैंक यू सर। मैं भी अपनी पत्नी की यादों में जीता हूं, पर क्या करूं, वो यादें हवा में बिखर गई। मैं शराब पी सकता हूं सर? थैंक यू सर। आपको सब कुछ बताता हूं सर। कातिल बनाने वाली जिंदगी की किताब पर लिखा एक एक हर्फ आपको पढ़कर सुनाता हूं, शायद चुभन कुछ कम हो जाए। आपके जाने के बाद पता नहीं क्यों फौज से मेरा जी उचट गया। मैं भी इस्तीफा देकर अपने गांव चला आया। बहुत अकेला महसूस कर रहा था मैं अपने आप को। शायद जिंदगी ने मेरी हालत पर तरस खाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मुझे एक जीवन साथी मिल गया। मेरी शादी हो गई। उस रात हवा में महक थी और माहौल में खुशियां। कितनी प्यारी लग रही है। लो चाचा, और लो ना थोड़ा। हाँ। शर्माओ मत। अच्छा लो कुछ खाने के लिए। भाई रेशम सिंह, तू कुछ भी बोल, लोता पर आदमी है बेमिसाल। मोर्चे पर तूने जन्मभूमि की इज्जत बचाई और जन्मभूमि पर हमारे जहेज न देने की वजह से बेचारे हरिया के हाथ से बारात तो लौट गई, पर तूने बेटी गोमती से शादी करके उसका जीवन संवार दिया। संवारने वाला तो ऊपर है चाचा, गोमती से शादी करके मैंने उसका नहीं अपना जीवन संवारा है। कुछ भी हो रेशम, फौज में रहकर भी तेरी चिकनाहट नहीं गई। यार मुझे और मत दो यार, ज्यादा पीने के बाद मुझे दो ही चीजें याद रहती हैं, एक मोर्चा और दूसरी बंदूक। अरे तुझे आज भी तो मोर्चे पर जाना है। और आज ही का मोर्चा तो पता करना बहुत जरूरी है। यार ये तो बताओ कि फौज में रहकर सिर्फ बंदूक उठाना ही सीखो या दूसरे मामले बिल्कुल अनाड़ी? अनाड़ी बिल्कुल अनाड़ी। और कैसे अनाड़ी ये भी बता देते। एक फौजी था बिल्कुल मेरी तरह, एक मैम उसके पीछे पड़ गई, बोली शादी कर शादी कर। फौजी ने शादी कर ली। मैम बोली चल कश्मीर हनीमून के लिए। फौजी बोला हनीमून क्यों है? मैम बोली कश्मीर चल फिर बताऊंगी। दोनों कश्मीर आ गए। फौजी बोला ले रही कश्मीर आ गया, अब बोल हनीमून क्यों है? मैम बोली रात को बताऊंगी। रात आ गई, मैम ने फौजी को बता दिया हनीमून के होवे। फौजी बोला ओहो ये होवे हनीमून, तो इसमें कश्मीर आने की क्या जरूरत थी, ऐसा हनीमून तो हमने खेतों में बहुत बार मनाया है। ए भाई रेशम सिंह कहाँ जावे है? चाचा मोर्चे पे। मोर्चा? मोर्चे पे जाओ, जाओ भाई मोर्चे पे। किसी ने सच ही कहा कि नशा नशे को मारता है। सच कुंती,
तुम्हारे रूप में इतना नशा है कि मेरा शराब का नशा फुर हो गया। क्यों, शराब की बू आ रही है? नहीं। क्या करूं, वो फौज में रहकर आदत पड़ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो देवता हैं। आपने मुझे भागिन को अपनाकर हमारे गरीब परिवार पर कितना बड़ा उपकार किया है। बस सारी उम्र आपके कदमों में पड़ी रहूं, भगवान से यही प्रार्थना है। कैसी बातें करती हो, भगवान से प्रार्थना तो मुझे करनी चाहिए जो तुम जैसा साथी दिया। कुमती जिंदगी का सफर तय करने के लिए मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी, तुम्हें पाकर वो मंजिल मिल गई है मुझे। इतना प्यार मत दीजिएगा, मैं इस काबिल नहीं हूं। कुमती, तुम बहुत काबिल हो। काका ने बताया है कि गाती भी हो। बस कुमती, आज अपने रूप और संगीत के जादू से इस बंदूक और बारूद का शोर सुनने वाले पत्थर को इंसान बना दो।
मुझे प्यार मिला दिलदार मिला, मुझे प्यार मिला दिलदार मिला। एक रात गोमती और मैं पड़ोसी गांव से लौट रहे थे, अचानक बादल घिराए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बरसात में दिन एक लड़की भीगी भागी थी। अरे बरसात में कौन थी? घर जाके नजर उतार लेना। क्यों? बरसात में भीग कर तुम बहुत सुंदर लग रही। मन करता है कि वो गीत लिखूं। झूठे कहेंगे। सच कह रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो ये बरसात करने के लिए कह रही है। सरो तुम्हारी मर्दानगी पे मुत्ता हूं मैं। सरो एक बार रेशम भैया गजब हो गया। भाभी ने कुएं कूद कर जान दे दी।
गोमती के साथ साथ मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां खाक हो गई, लेकिन उसकी चिता से निकलती हर चिंगारी मुझे उन शैतानों की मौत का पैगाम दे रही थी। रमन, रघु और जिमी, तीन तो अपने किए की सजा पा चुके हैं, बस अब एक बचा है। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन इस दुनिया से एक शैतान और कम हो जाएगा। वो कौन है, कहाँ रहता है, कुछ खबर है तुम्हें? सिर्फ नाम जानता हूं सर, रवि। आप ही बताइए सर, क्या बिगाड़ा था मैंने इन हरामजादों का? क्या दुश्मनी थी इनके साथ मेरी? दुश्मन की फौज से भी ज्यादा खतरनाक है ये दुश्मन। ये लोग अपनों का ही घर जलाकर राख कर देते हैं, इन्हें जीने का क्या अधिकार है? कहां खो गए सर? तुम्हारी दास्तान सुनकर जो बिजली मुझ पर गिरी है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। सुनकर आपका ये हाल है, सोचिए सर मेरा क्या हाल होगा जिसके दिल पर बीती है। मैं समझता हूं रेशम सिंह, अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल की जो हालत है वो तुम्हारी हालत से कहीं बदतर है। काश मैं तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हवाले कर सकता। आपका यह कहना ही बहुत है, जिसकी तलाश में मैंने रात दिन एक कर दिए हैं उसे ढूंढना आपके लिए मुमकिन भी तो नहीं। मैं चलूं सर। रेशम सिंह, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो शर्तिया तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। पुलिस के हवाले तो वो तब करता सर जब मैं उसे जिंदा छोड़ता। इंतकाम की आग जब तक अपनी मंजिल को जलाकर राख नहीं कर देती वो जलती रहती है। मैं मौत बन गया हूं सर, जिंदगी मुझे छू नहीं सकती। जल्दी से कहीं छुप जाओ फौरन। आखिर आप अपने डैडी से कब तक छुपाते रहेंगे? आप उन्हें क्यों नहीं बता देती कि आपने मुझसे शादी कर ली है? यार हर बात बताने का कोई वक्त होता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? रवि। जी डैडी। बदमाश, तलवी मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं तेरे बेटे की जी जान से हिफाजत करूंगा। लेकिन डैडी मैंने किया क्या है? तूने जो किया है वो इतना शर्मनाक है कि हमें सोचते हुए भी शर्म आती है। काश हमने तेरी मां को वचन न दिया होता तो आज दुनिया के सामने ये मिसाल होती कि एक बाप ने किस तरह अपने जलील बेटे को हलाल कर दिया। अरे देशरम, जिस डर की वजह से तू यहां छिपा बैठा है वो वजह हम जान चुके हैं। उसने जिमी का खून कर दिया है, तेरा नाम भी जान चुका है, अब उसे यहां आते हुए देर नहीं लगेगी। डैडी, डैडी, मुझे बचा लीजिए, डैडी, उसे मुझ तक मत पहुंचने दीजिए, डैडी, मुझे माफ कर दीजिए, डैडी, मुझसे भूल हो गई, डैडी, मैं दोस्तों के बहकावे में आ गया था।
जादूगर ने जादू टोने से इंसान को जानवर बना दिया। किससे कहानी में सुना था, दोस्तों ने बहका कर एक इंसान को जानवर बना दिया। हम पहली बार सुन रहे हैं। हमारी पैर छोड़ दो रवि, छोड़ दो। कितने मजबूर हैं हम। आज निर्मला जिंदा होती तो हम उससे माफी मांगकर तुझे उस आदमी के हवाले कर देते। आप उसे जानते हैं जिसकी जिंदगी तूने खुशियों से महरूम कर दी। उसने एक बार मुझे जान बख्शी थी। हम जानना चाहते थे कि देश के लिए खून बहाने वाला खूनी कैसे बन गया। मतलब उसने खुद आपको ये सब बातें बताई, तो फिर आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? आप तो जानते हो मेरी जान का दुश्मन। खामोश हो जाओ रवि, खामोश हो जाओ। दुश्मन तो हमारे तुम हो, बदकिस्मती से हम तुम्हारे बाप हैं। अब भगवान से दुआ मांगो कि हम अपने वचन की हिफाजत कर सके, क्योंकि तुम नहीं जानते जो आदमी गम की चिंगारियों में जलता है कितना खतरनाक होता है उसका दर्द। मंजिल का वो
मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। एहसान किया है तुमने दलदल से निकाल कर। दलदल में से तो आपने मुझे निकाला था। उस दिन रघु के यहाँ तुम थी? हाँ मैं ही हुआ भागिन, छोटे भाई की वजह से मजबूर हूँ, वरना कब की मर जाती। मरना मत, मरना मत, मरने वाले खुद तो मर जाते हैं लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने चाहने वालों की जिंदा लाशें। अगर हम यूं ही मर मर कर जुल्म का जवाब देते रहे तो जिंदगी पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। आपको देखकर लगता है आप मरना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप जीने पर मजबूर हैं। मुझे देखकर लगता है कि मैं मरना चाहता हूं और मेरी बातें सुनकर लगता है कि मैं जीने पर मजबूर हूं। हाँ मैं जीने पर मजबूर हूं क्योंकि मैं मौत बन गया हूं। डैडी ने चारों तरफ पहरे देने के लिए सिपाही क्यों रख दिए और आपने बाहर निकलना भी बंद कर दिया? तुझसे मतलब? मतलब क्यों नहीं जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या आपको खुशी नहीं हुई? अरे काहे की खुशी, तो क्या बोलते हैं, हाँ दाई, किसी दाई भाई से अपना पेट साफ करा ले चल। क्या
अरे बच्चा हो जाएगा तो फिर तेरे से शादी कौन करेगा? लेकिन आप तुमसे शादी कर चुके हैं। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? तेरे पास कोई सबूत है? आपको सबूत चाहिए? मुझे नहीं, दुनिया वालों को। और अगर ढिंढोरा पीटती रहेगी तो तेरी बदनामी होगी। भला इसी में है कि चुपचाप चली जाए यहाँ से। हट। लेकिन अचानक आपको क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सीधी तरह से जाती है या राम सिंह से कहकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं? आप मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा देंगे? इसका मतलब आपने मुझसे खेल खेला है। हाँ, और ये रही उस खेल की कीमत। कीमत? कीमत की चीज़ की? मैंने आपको अपनी इज्जत नहीं बेची, मेरा भगवान जानता है। मैंने आपको अपना पति माना है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिल जाएगा साहब? बोलिए क्या मिल जाएगा? जानती हूं मुझे नहीं पूछना चाहिए, मेरा कोई हक भी तो नहीं, लेकिन दिल नहीं मानता। आपको जब भी देखती हूं, हाथ में बोतल, आंखों में तूफान। जानना चाहती हो मैं क्यों पीता हूं शराब, क्यों दिखता है मेरी आंखों में तूफान? इसलिए कि सरहद पर लड़ने वाला सिपाही जिंदगी की जंग हार गया। किसके लिए उठाई थी मैंने बंदूक, किसके लिए लगाई थी अपनी जान की बाजी, किसके लिए उजाड़ी थी माओं की कोखें, किसके लिए उजाड़ा था मांगों का सिंदूर? उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे सपनों का संसार उजाड़ दिया, जिन्होंने मेरी इज्जत को मेरी आंखों के सामने लूट लिया। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों पीता हूं शराब, किस लिए दिखाई देता है मेरी आंखों में तूफान? इसलिए कि मुझे नफरत है, इंसान से नफरत है, जहान से नफरत है, और इस जहान बनाने वाले भगवान से नफरत है। अरे क्या बना दिया है भगवान ने इंसान को, और क्या बना दिया है इंसान ने इस जहान को? जंग, लूटमार, गरीबी और भूखमरी का एक दलदल, जिसमें खड़े कर दिए हैं उसने अपनी हवस के महल। हवस दौलत की, हवस ताकत की, हवस औरत। हवस ने इंसान को शैतान बना दिया। ऐसे ही चार शैतानों ने मेरी दुनिया लूट ली। तीन को तो मैं मौत के घाट उतार चुका हूं, अब चौथे की तलाश है। जिस दिन ये चौथा मुझे मिल जाएगा रफी, उस दिन मैं पत्थर से कहूंगा, भगवान मुझे तुझ पर विश्वास है। कौन रवि? मेजर बलवंत राय का बेटा? मेजर बलवंत राय का बेटा रवि? साहब आपसे मिलने रेशम सिंह आए। रेशम सिंह? जी साहब। क्या कह रहे थे? वो रवि बाबू की फोटो मांग रहे थे, मैंने उन्हें बताया कि वो तो आपने हटवा दिए। कहाँ गए वो? ऊपर बैठे हैं साहब। Thank you.
कितना अजीब खेल है ये जिंदगी। पिता की मैंने जान बचाई थी, बेटे की जिंदगी चाहिए। फूल जाओ रेशम सिंह, मेरे बेटे तक तुम नहीं पहुंच सकते। अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान चांद तक पहुंच जाता है सर। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने रवि को कहां छुपा रखा है? मौत एक बाप से उसके बेटे का पता पूछ रही है। बाप से नहीं सर, अपने मेजर से, जिसने मदद करने का वादा किया था। मदद हद के बाहर होने पर अपनी लाश तुम्हारे हवाले करने का वादा भी किया था। रेशम सिंह, हम रहम की भीख मांगते हैं तुमसे। रवि हमारा इकलौता बेटा है, उसकी जिंदगी को बख्श दो। उसके बदले में तुम हमारी जान ले लो। देख रहा हूं सर, बाप के प्यार ने वादे के रुख को मोड़ दिया है। कोई बात नहीं सर, जिनके सामने मंजिल होती है उनके कदम रुक नहीं सकते। हमें मजबूर मत करो रेशम सिंह, हमने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया था कि हम उसके बेटे की जिंदगी उसकी अमानत समझकर महफूज रखेंगे। अगर तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की तो मजबूर होकर शायद मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ जाए। सर मैंने आपसे कहा था, मैं मौत बन गया हूं, जिंदगी मुझे छू नहीं सकती। तो फिर यह हमारा दावा है रेशम सिंह कि किसी भी सूरत में हम तुम्हें अपने बेटे तक नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आपको पुलिस की मदद लेकर मुझे गिरफ्तार करवाना होगा। हम एक कमजोर बाप सही मगर बुजदिल इंसान नहीं है रेशम सिंह, जो अपने बेटे की जान बचाने की खातिर एक दोस्त को पुलिस के हवाले कर दे। अब भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं रेशम सिंह। जाओ, ये दो सिपाहियों के बीच में एक जाती जंग है। देखना सिर्फ यह है कि इस जंग में जीत तुम्हारी होती है या हमारी। मेरी जीत तय है सर। हाँ तो मिस्टर रवि, मैं आपसे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना बेटे? क्या बात है मेजर साहब, आप तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे आपको उम्मीद ही ना हो कि रवि आपको यहाँ सही सलामत मिलेगा, गोया कि इसका यहाँ ना खतरे से खाली ना हो। ये बात नहीं इंस्पेक्टर, जैसे हमें पता चला कि आप रवि को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए हैं हमें फिक्र लगी। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं रवि से यही पूछ रहा था कि जब ये चारों शिकार पर गए थे तो दरअसल हुआ क्या, क्योंकि उन तीनों का तो खून हो चुका है और कातिल का अब तक कुछ पता नहीं। क्या तो इनके साथ उन तीनों का झगड़ा हुआ था या फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया डैडी कि हम लोगों का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे, ये मुझ पर खामखा शक। इंस्पेक्टर आपका शक रवि पर है? मेजर साहब, जब तक कोई वजह कोई सबूत ना मिले हमारा शक बेबुनियाद है। फिलहाल आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, चलो रवि। Yeah!
भाग जाओ रवि, भाग जाओ। रेशम सिंह, मेरे बेटे को खत्म करने का इरादा छोड़ दो। इंसानियत के फर्ज ने आज तुम्हें बचा दिया, लेकिन बाप का फर्ज तुम्हें दूसरी बार बचाने नहीं देगा। दोष तेरा नहीं, रवि का है। मैं मेजर साहब से कहकर तुझे तेरा हक दिलवाऊंगी। वैसे मेजर साहब और रवि कहाँ हैं? अपने फार्म पे। चल वहीं चलते हैं। ये शोरगुल कैसा है? साहब, चमेली और कुंती कुछ लोगों के साथ बाहर आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? जी हाँ। क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है? मेजर साहब, क्या इस दुनिया में औरत को जीने का कोई हक नहीं? कब तक मर्द उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा? क्या औरत इसलिए मर्द को जन्म देती है, इसका सौदा करे, माँ बहन बेटी को बेचे, बेइज्जत करे? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। बात यह है मेजर साहब, जब कुंती के घर वालों को पता चला कि माँ बनने वाली है, तो उन्होंने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने इस पर गालियों की बौछार की। इसके सामने मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये बेचारी मरने जा रही थी। लेकिन बताइए, कुंती अपनी जिंदगी से क्यों हाथ धो बैठे? वो क्यों नहीं जिसने इसके साथ धोखा किया? कौन है वो शख्स? आपका बेटा रवि। चमेली ने हमसे जो कुछ भी कहा, अगर वो सच है तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बेटी शाम शाम बंगले के दरवाजे किसी ने अंदर से बंद कर दिए हैं और दो पैर बेहोश पड़े हैं। Thank you.
लेकिन बाप का इंतकाम अब शुरू होगा। मैं हाजिर हूं सर, पुलिस के हवाले कर दीजिए, चाहे जान ले लीजिए। हमें तुम्हारा बलिदान नहीं है, अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। उठाओ पिस्तौल। हम दोनों एक साथ एक दूसरे पर गोली चलाएंगे, जिसका निशाना पहले लगेगा वही जिंदा रहेगा। नहीं सर, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। आप चलाइए गोली। बंद करो ये शराफत का नाटक। जिस बेहया की खातिर तुमने मेरे बेटे का खून किया, जिस नाल की हवस ने चार चार जवानों को निगल लिया, जिस कमीने की कोख में न जाने किसकी औलाद पल रही थी, उसी बाजारू औरत की कसम है तुम्हें। उठाओ पिस्तौल। आपने क्या किया सर? आपका रिवॉल्वर तो खाली था। रेशम सिंह, देवी समान भाभी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा है मुझे माफ कर देना। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने अपनी दास्तान सुनाई थी। अथना रेशम सिंह, आने वाला वक्त हमको राज ये समझाएगा, बात में जाना है किसको, कौन पहले जाएगा। सर आप बाजी ले गए, मजबूर हूं मैं, क्या करूं। ये तमन्ना थी मेरी कि आपसे पहले मरूं। रेशम सिंह, पुलिस के पहुंचने से पहले तुम उस रास्ते से चले जाओ। आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, मरने वाले से बहस मत करो रेशम सिंह। नहीं सर, मेरी मौत आसान कर दो रेशम, जाओ। नहीं सर। हाय, कम ऑन यू रेशम सिंह, प्लीज गो, गो, प्लीज गो। मेजर साहब,
काल का जवाब।